हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कौशिक चैनल। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। ये बहन भाई का पवित्र त्यौहार होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। इस राखी को बाज़ार से खरीदने की बजाय आप घर पर रखी हुई चीज़ों से बहुत ही सुंदर सी राखी बना सकते हैं। ये नॉर्मल सिलाई करने वाले धागे हैं। आप कोई भी रंग के जो आपको कलर अच्छा लगता है धागे ले लें। ये सिल्की धागे हैं, मौली और ऊन। मैं तीन तरीके से राखी बनाना बता रही हूँ। जो राखी आपको सबसे अच्छी लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले नॉर्मल सिलाई करने वाले धागों से राखी बनाना बता रही हूँ। तीनों रील का बराबर धागा लेना है और उसे इकट्ठा करके इस तरीके से पकड़कर तीन उंगलियों के ऊपर इसे लपेटते जाना है। आप चाहें तो कार्डबोर्ड के ऊपर भी लपेट सकते हैं। इसे हमें 30 बार लपेटना है क्योंकि इसके धागा जो है काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, इसलिए आप 30 बार इसको लपेट लें। और यहाँ से अब कैंची से काट लेना है। जहाँ से धागे को काटा है वहाँ से पकड़कर बीच में से निकालकर यहाँ पर 3-4 बार पक्की गांठ लगा लेनी है। अब सेंटर से इसे आप इस तरीके से काट लें और जहाँ पर गांठ लगाई है वहाँ से इसे बराबर गोलाई में फैला देना है। जितनी बड़ी या छोटी राखी चाहिए उतनी रखने के बाद एक्स्ट्रा धागों को आप काट लें। गोलाई में बराबर सेट करने के बाद इसे कंघी से इन धागों को कंघी कर लेनी है, क्योंकि ऐसा करने से धागे बिल्कुल सेट हो जाते हैं। ये मेरे पास बटन पड़ा हुआ है, इसके ऊपर फेविक्विक लगाकर इसे सेंटर में चिपका लेना है। आप देख रहे होंगे राखी जो है बहुत ही सुंदर बन रही है। अब कलाई पर बांधने के लिए हमें डोरी को बनाना है। जितनी बड़ी डोरी चाहिए हमें उतना मौली को बराबर नाप कर 3 बार नाप लेना है और यहाँ से काट लें। और इसे हमें भारी वेट रखना है तो मैंने चौक कलर के डिब्बे को रख दिया है। आप चाहें तो टेप लगाकर भी इसे चिपका सकते हैं। अब जिस तरीके से हम बालों में पोनी करते हैं उस तरीके से इसे आप बना लें। बाज़ार में जो राखी है बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, आप घर पर बहुत ही कम समय में इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर गांठ लगा दें ताकि ये निकले ना, और नीचे एक्स्ट्रा धागे को आप काट दें और यहाँ पर भी कंघी कर लें। दूसरी साइड से भी हमें गांठ लगाकर इसे बांध देना है और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे काट कर यहाँ पर भी कंघी कर लें। देखिए डोरी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब सेंटर में मैंने पहले ही कार्डबोर्ड के ऊपर गोलाई में इसे काट लिया था। आप चाहें तो पोंचे वाली टैट्रोन को भी गोलाई में काटकर यहाँ चिपका सकते हैं। उसके ऊपर फेविक्विक लगाकर राखी को चिपका दें। देखिए राखी जो है बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। अब मैं आपको ऊन से राखी बनाना बता रही हूँ। इस ऊन को हमें 2 उंगलियों पर 20 बार राउंड करना है। धागे को हमने 3 उंगलियों पर 30 बार राउंड किया था, लेकिन ऊन जो है काफ़ी मोटी होती है इसलिए इसके हमें 20 राउंड ही करने हैं। अब यहाँ से आप ऊन को काट दें। जहाँ से ऊन को काटा है उसे बीच में से निकालकर 3-4 बार गांठ लगा लें ताकि ये निकले ना। अब सेंटर से इसे कैंची से काट लें। जहाँ पर गांठ लगाई थी उसे इस तरीके से बराबर करके हमें गोलाई में सेट करना है। और जितनी बड़ी या छोटी राखी चाहिए उसे रखने के बाद एक्स्ट्रा ऊन को हमें काट देना है। अब इसे गोलाई में बराबर करके आप सेट कर लें। इसे हम कंघी से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ऊन जो है काफ़ी मोटी होती है। राखी को और सुंदर बनाने के लिए आप सुई से एक ऊन के धागे को 3-4 बार निकाल सकते हैं। राखी उससे और भी सुंदर बनती है। ये मेरे पास सिल्की रिबन पड़ा हुआ है, इसे आप जितना कलाई में बांधना है उतना काट कर दोनों साइड से बराबर तिकोना करके कैंची से काट लें। ऐसा करने से रिबन और भी सुंदर लगता है। और ये मैंने गोलाई में कार्डबोर्ड पहले ही काट कर रख लिए थे। इसके ऊपर फेविक्विक चिपकाएं और रिबन के सेंटर में चिपका दें और इसके ऊपर और फेविक्विक लगाने के बाद ऊन से बनाई हुई राखी को चिपका दें। अब इसे और सुंदर बनाने के लिए ये मेरे पास बटन है, इसके ऊपर फेविक्विक लगाकर राखी के सेंटर में चिपकाएं। देखिए दूसरी राखी भी मैंने बना ली है। दोनों राखियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं तीसरी राखी आपको रील के धागों से बनाना बता रही हूँ। ये मेरे पास 2 कलर लिए हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो।
अब इसे ब्लेड से हमें इस तरीके से काटना है। ध्यान रखना है आपके हाथ में ना लगे, इसे काट लेना है और इस तरीके से निकाल कर इसे हमें बिल्कुल नहीं हिलाना है, बराबर सेट करके रख दें। ऐसे ही दूसरी वाली रील को भी काट लेना है। कटे हुए धागों को हमें बिल्कुल नहीं हिलाना है, बराबर डबल फोल्ड करके नीचे वाली साइड रखना है और जो मैरून वाली है उसे डबल फोल्ड करके ऊपर वाली साइड रखना है और जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसे कैंची से आप काट लें। इसे और सुंदर बनाने के लिए ये मेरे पास नीले रंग के बटन पड़े हुए हैं, इनके ऊपर फेविक्विक लगाकर सेंटर में चिपका दें। ऐसा करने से राखी और भी सुंदर लगती है। ये सिल्की धागा है, जितना हमें कलाई में बांधने के लिए चाहिए उसे मैंने सुई में डाल लिया है। ये मेरे पास सफ़ेद मोती हैं लेकिन इस सुई के अंदर नहीं निकल रहे हैं, तो आप इस सुई को निकाल दें और छोटी सुई के अंदर ये धागा काफ़ी मोटा है इसलिए नहीं जा रहा है, तो आप सुई को निकाल दें और धागे को 2-3 बार इस तरीके से लपेट कर इस मोती को डाल दें। ऐसा करने से ये मोती बहुत ही आसानी से डाले जाते हैं। पहले मैंने 4 मोती को डाल लिया था, ये आपको दिखाने के लिए मैंने 2 मोती को डाल दिया है। अब इन मोती को हमें 3-3 दोनों साइड बराबर करके रखना है और सेंटर में इस राखी को चिपकाना है। ये पेपर लिया है, इसे डबल फोल्ड कर लें और जितनी गोलाई में हमें पेपर चाहिए उसे आप काट लें। मैंने इस पेपर को गोलाई में इस तरीके से काटा है, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे वैसे काट सकते हैं। अब यहाँ पर फेविक्विक चिपकाएं और जो हमने राखी बनाई है इसके ऊपर सेंटर में चिपका लें। नोटबुक को मैंने इसलिए नीचे रखा ताकि ये फेविक्विक जो लगाई है कपड़े से चिपके ना, और दोनों साइड से हमें मोतियों को बराबर सेट करके गांठ लगा लेनी है ताकि ये मोती जो हैं बिल्कुल बराबर सेट रहें। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैरून वाले धागे को हमने काटा था इसे इस तरीके से ही रख दिया था, तो इसके ऊपर आप पहले सेंटर में फेविक्विक लगाएं, उसके बाद ही बनाई हुई राखी को इसके ऊपर रखकर चिपकाएं। ऐसा करने से दोनों जो धागे कटे हुए हैं बिल्कुल बराबर सेट रहेंगे। देखिए मैंने तीसरी राखी को भी बना लिया है, बहुत ही सुंदर राखियां बनकर तैयार हुई हैं। अगर आपको घर पर रखी हुई चीज़ों से राखी बनाई हुई अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तीनों बनाई हुई राखियों में से आपको धागे वाली, ऊन वाली कौन सी राखी अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।